दोस्तों, इंसान प्राकृतिक रचना का सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग प्रकृति की इस रचना के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने खुद को एक जानवर के रूप में बदल दिया। तो चलिए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में। होरेस रिडलर, द ज़ेब्रा मैन। होरेस रिडलर लंदन का रहने वाला एक स्लाइडर शो परफॉर्मर था। होरेस रिडलर ने ज़ेब्रा की तरह पूरे शरीर में टैटू बनवा रखे हैं। उसके शरीर पर ज़ेब्रा की तरह ही काली और सफेद पट्टियां बनी हुई हैं। होरेस रिडलर ने खुद ही अपना नाम बदलकर द ग्रेट ओमी या द ग्रेट ज़ेब्रा रख लिया था। 1965 में 83 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। होरेस रिडलर प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़ चुके थे। टॉम लेपर्ड, द लेपर्ड मैन। लेपर्ड मैन और स्काई नाम से दुनिया भर में मशहूर टॉम लेपर्ड का एक अलग ही शौक था। टॉम लेपर्ड का जन्म 14 अक्टूबर 1935 में ब्रिटेन के वुड ब्रिज में हुआ था। उन्हें पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का टैटू मैन माना था और बाद में सबसे अधिक टैटू वाले वरिष्ठ नागरिक के रूप में इनको मान्यता मिली। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। टॉम लेपर्ड ने शरीर के लगभग 90% हिस्से पर चीते और तेंदुओं की तरह टैटू बनवा रखे थे। उन्होंने अपने शरीर पर टैटू बनवाने में कुल खर्च लगभग $5,500 किया था। आज दुनिया उन्हें लेपर्ड मैन और स्काई के नाम से जानती है। लकी डायमंड रिच। लकी डायमंड रिच विश्व का वह इंसान है जिसके पूरे शरीर पर टैटू बनाए गए हैं। उसके शरीर पर हर अंग पर आंख, नाक, कान, गला इत्यादि जगह पर टैटू बने हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने यह दावा किया है कि इसके शरीर पर 100% टैटू है। इसके लिए लगभग इन्हें 1000 घंटों से भी ज्यादा का समय लगा है। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टैटू बनवाया था और 28 वर्ष की उम्र में उनकी पूरी शरीर में टैटू बन चुके थे। इस कारण 2006 में इसका गिनीज विश्व कीर्तिमान पुस्तक में उल्लेख किया गया है। टेड रिचर्ड्स, पैरेट मैन। 56 साल के टेड रिचर्ड्स ब्रिस्टल यानी यूके के रहने वाले हैं और उन्हें तोते बहुत पसंद हैं। तोते उन्हें इस कदर पसंद है कि वो खुद भी तोते जैसा दिखना चाहते हैं। तोते की तरह दिखने की ये चाहत उन पर इस कदर हावी है कि उन्होंने अपने शरीर में बेतहाशा बदलाव किए हैं। टेड ने 1976 में अपना फर्स्ट टैटू बनवाया था। उसके बाद से उन्होंने अपनी पूरी बॉडी में टैटू बनवा लिए। उन्होंने 2 चुंबक भी अपने हाथों में इम्प्लांट करवाए हैं। उन्होंने चेहरे पर तोते के जैसे रंग बिरंगे फर लगाकर 110 अनोखे टैटू बनवाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने चेहरे पर भी 50 पियर्सिंग कराई और अपनी जीभ भी कटवाई है। वह वर्तमान में एक ऐसे सर्जन की तलाश कर रहे हैं जो उनकी नाक को चोंच में बदल सके। रोड्रिगो ब्रागा, डॉग मैन। ब्राजील में रहने वाले शख्स का नाम रोड्रिगो ब्रागा है, जो कि पेशे से एक आर्टिस्ट है और कुत्तों को बेहद पसंद करता है। वह चाहता था कि उसका चेहरा भी कुत्तों की तरह ही दिखे, इसलिए उसने लोकल अथॉरिटीज से इजाजत लेने के बाद एक बीमार कुत्ते को मारकर उस कुत्ते का चेहरा अपने चेहरे पर लगवा लिया। चेहरा जुड़ने के बाद वह भी कुत्ते की तरह दिखने लगा, जिसके बाद वह डॉग मैन के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आपको इसमें से सबसे अजीब कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।